समीकरण बनाने का प्रयास किया गया लालू यादव के समीकरण से अलग, ये तेजस्वी समीकरण जी, ये अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब लालू 2.0 है ये, और ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपने जैसे ही लॉन्च किया और अपने कमेटी और आपने बताया कि हम इतने सारे यादवों का टिकट काट रहे हैं, सीट काट रहे हैं, फिर आपने कहा कि हम दलितों को बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हैं, नए चेहरे लेकर आ रहे हैं जिला में, हम अगर जाएंगे फिर से टिकट चुनाव लेकर चुनाव लड़ने, तो हमें तो जनता से को जवाब देना पड़ेगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में, और यह है आपका पसंदीदा शो रातों रात। आज हम बात करेंगे जिस तरह से बिहार की राजनीति दिन पर दिन बदलती जा रही है, उसी बीच अभी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने एक कदम लिया है जो कि उनके लिए आत्मघाती साबित हो गया। तो उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक आज नमन मिश्रा जी बैठे हैं यहाँ पर। सर, जैसा कि अभी तक बातें निकल कर आ रही हैं कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसा कदम लिया है जिससे वो उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है, कुछ आत्मघाती कदम उठाया है, तो ऐसा क्या है वो कदम और क्या उनके ऊपर फर्क पड़ने वाला है इस कदम उठाने से, वो थोड़ा बताइए। देख, कदम तो जो उन्होंने उठाया है वो तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो जिलाध्यक्षों की 50 लोगों की टीम बनी, सुपर 50 जो टीम बनी है जी, हालांकि ये साल 2020 है मगर उन्होंने टीम बनाई है 50-50, तो इसमें एक बहुत बड़ा लोचा था। जो आपको पता होगा कि जब पहली बार हमने परसों हमारे हाथ टीम लगी थी, सबसे पहले बात कमेटी हमारे पास आई थी और जब हमने उसका विश्लेषण किया था तो आपको याद होगा उस पर अच्छा खासा लोगों ने कमेंट भी किया, व्यू भी मिला है, और यादव जाति के लोग नाराज भी थे जिस तरह से यादव का टिकट कटा गया। ये जो समीकरण बनाने का प्रयास किया गया लालू यादव के समीकरण से अलग, ये तेजस्वी समीकरण है जी, ये अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब लालू 2.0 है ये, और ये अच्छा नहीं लग रहा है ये, खासतौर पर पार्टी का। मैंने कहा था कि ये इंजेक्शन की तरह दे सकते हैं आप, कि पहले हल्का सा देने के बाद इंजेक्शन टेस्ट किया था कि क्या बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, और जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा इंजेक्शन भी दे दिया, नेमा भी दे दिया पार्टी को, तो एक बार में इतना कुछ पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि पार्टी का मतलब कभी भी एक व्यक्ति नहीं होता, चाहे वो एक व्यक्ति के सेंट्रिक पार्टी भी हो तो वो एक आदमी के आसपास नहीं घूमती है। पार्टी मतलब ही होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से बहुत सारे लोग आते हैं, वहां जुड़ते हैं, विचारधारा बनती है, एक संविधान बनता है और लोग अपनी अपनी बातें वहां रखते हैं जी। अब क्या हो गया है कि जैसे लालू प्रसाद यादव नहीं है यहाँ मौजूद स्वयं अपने तौर पर, तो सभी को मौका मिला है अपनी अपनी राजनीति करने का जी। कुछ हद तक ये एक्सपोज भी हो गई है पार्टी राजद जो है जी। आप देखते हैं कि कोई भी डिसीजन जगदानंद सिंह लेते हैं तो रघुवंश प्रसाद को अच्छा नहीं लगता है, तेजस्वी यादव लेते हैं तो मीसा भारती को ठीक नहीं लगता है, तेज प्रताप लेते हैं तो रामचंद्र पूर्वे को ठीक नहीं लगता है, राबड़ी देवी अलग परेशान रहती हैं। मगर सबसे जरूरी बात है कि राजद अभी भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक इनके पास हैं जी, संशय यहीं शुरू होता है। जब आपके पास बहुत ज्यादा धन हो तो लोगों की नजर आप पे होती है कि आपके धन को कैसे अपना बना ले, चाहे वो आपको सामान बेच के आपका पैसा ले लें, चाहे वो आपको बेवकूफ बना के आपका पैसा ले लें, चाहे आपसे लूट कर ले लें जी। और इस धनी पार्टी को निर्धन करने के सोच में सभी लगे हुए हैं, नीतीश कुमार अपना इंजीनियरिंग लगाते हैं, भाजपा अपना इंजीनियरिंग लगाती है, और चीज जो साथ में रहने वाले दल भी हैं छोटे मोटे इनके राजद के महागठबंधन के, ये क्या इनके लिए कम खतरनाक है, ये भी लगे हुए हैं अपने हिसाब से जी। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस कमेटी को बनाने का प्रयास किया है, कुछ चीजें हैं जो कि बिल्कुल नागवारा गुजर रही हैं पार्टी के नेताओं को। मैंने कहा था आपसे जी, ये रिएक्शन तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा इसमें जी। तो कहीं ये बात जो वो लिस्ट के बारे में तो नहीं है जिसको न्यूज बिहार ने और भारत लाइव ने सबसे पहले दिखाया था, पूरी लिस्ट जो उन्होंने बनाई है दोबारा 50 लोगों की, इस जिलाध्यक्षों की कमेटी में सबसे बड़ा कांड यही हो गया है कि यादवों की, कई यादवों की छुट्टी हो गई है। अब आप कंपनसेट कर सकते हैं, ओवर कंपनसेट कर सकते हैं कि मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लूंगा, मैंने बिहार की कार्यकारिणी में लूंगा, संगठन में कहीं ना कहीं स्पेस दिया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा, कितने लोगों का प्रमोशन दे सकते हैं जी। हमें जो पता है इस हिसाब से इनमें से कई लोगों का पत्ता कट चुका है, पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या घाटे होंगे, 7 अलग अलग तरह के घाटे हैं जो कि बताया गिनाया गया है विधायकों द्वारा। आपको बता दे कुछ बिंदु हैं, जैसे कई बार परसों मीटिंग हुई थी बड़ी, आप खुद मौजूद थे, आपने लाइव भी वहां से किया था, आपने देखा कि सारे जो नेता आ रहे थे वो अंदर जा रहे थे, कई नेता बात करने से इतरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या स्वरूप है इस मीटिंग का, क्यों इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। आपने जैसे ही लॉन्च किया और अपने कमेटी और आपने बताया कि हम इतने सारे यादवों का टिकट काट रहे हैं, सीट काट रहे हैं, फिर आपने कहा कि हम दलितों को बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं, नए चेहरे लेकर आ रहे हैं जिला में। अरे जिला मतलब होता है एक तरह से विधानसभा क्षेत्र जहां पे आपका विधायक होगा सिटिंग
जी उन विधायकों को नावा गवारा गुजरा, कई लोगों को अच्छा लगा क्योंकि जिला अध्यक्ष और एमएलए में कहा जाता है कि विधायकों में लड़ाई हमेशा रहती है, हर पार्टी का ये नेचर है क्योंकि वो संगठन की बात करेगा, वो अपनी ताकत दिखाएगा विधायक, और दोनों के बीच में क्लैश होता रहता है, पावर की लड़ाई होती रहती है। मगर कई लालू यादव ने अपनी पार्टी को जिस तरह से बनाया है उसमें उन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया है इसमें बहुत ग्लेबिलिटी का फॉर्मूला उन्होंने यूज किया है, उन्होंने लोगों को एक दूसरे से जुड़े रखने का बहुत तरीका बनाया ताकि उससे वो मिल सके, लोग जाए तो एक दूसरे को मिल सके, कार्यकर्ता अपने नेताओं से मिल सके, और ये परिपाटी इस पार्टी में खत्म हुई है जी। शेड्यूल बन गया है कितने बजे से कितने तक मुलाकात कर सकते हैं, तेजस्वी यादव मुलाकात कर नहीं रहे कई लोगों से खबर आ रही है, तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लग रही लोगों को। और आपको बता दूं कि उस मीटिंग में बुलाने के लिए जो इमरजेंसी मीटिंग थी जिसमें विधायकों को सबको बुलाया गया था, कई विधायकों को कई बार फोन जाता रहा वो नहीं आए जी, फोन राबड़ी आवास से जाता रहा उनके पास वो नहीं आए, 2 घंटे तक का इंतजार किया गया कि विधायक आएंगे आएंगे, नहीं आए, और लास्ट में तेज प्रताप और चंद्रिका राय भी नहीं पहुंचे, और ये भी कहीं ना कहीं एक चंद्रिका राय तो मान लीजिए एक तरह से उनका तय हो गया कि वो जदयू की तरफ चले जाएंगे, मगर तेज प्रताप यादव का कहीं ना कहीं वो विधायक है पार्टी के, उनका आना जरूरी था। अब एक और खबर आई थी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है मधेपुरा के विधायक, इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि मैं आऊंगा ही नहीं जी, और इनके नहीं आने का भी कारण था कि यादव समाज के इनके समाज के जिलाध्यक्ष को हटाकर वहां पर दलित को मौका दिया गया था। तो देखिए जहां तेजस्वी यादव बात करते हैं कि दलितों को समावेश करके चलना है, SC ST को जगह देना है, वही ना कहीं कहीं ना कहीं इन्हीं की इस थ्योरम को इन्हीं के पार्टी के लोग एक्सपोज कर रहे हैं। और एक अपडेट मेरे पास और भी है, जैसे खजौली के जो विधायक है सीताराम यादव जी और साहेबपुर कमाल के विधायक नारायण यादव जो है, इन्होंने भी पार्टी में इतना तक कह दिया कि अगर आपको कोई मीटिंग बुलानी थी तो उस पर हमें आगे का वो बात करना चाहिए था, आप जिला अध्यक्ष का जो लिस्ट इस बार चेंज किए हैं ये चुनाव में आपको भारी पड़ सकता है। वही मैं सात कारण जो अलग अलग विधायकों ने उस मीटिंग के दौरान कहा जो हमारे सूत्रों ने हमें तक बहुत पहुंचाई है, इसमें ये 7 कारण मेरे पास है, इन 7 कारणों की वजह से मैं कह रहा हूँ और ये कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती कदम हो गया है तेज प्रताप यादव के तेजस्वी के लिए और ये राजद के लिए, क्योंकि ऐसे मौके पर जब सामने आपके इतना बड़ा लक्ष्य हो जीतने का चुनाव, और वो भी तब जब पिछले मैच को आप 1-0 से हारे थे, मतलब 0 पूरी तरह से हारा गया था, कांग्रेस 1 सीट लेकर आगे किशनगंज की इज्जत बच गया, तो वो कारण कौन से हैं? पहला कारण यादव की छुट्टी, ये पार्टी यादवों की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव खुद यादव समाज से आते हैं, यादव समाज का एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, आप उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भाजपा अगर कहती है कि वो सभी के बारे में सोचती है तो लोग विश्वास नहीं करते, लोग जानते हैं कि ये हिंदुओं के वोट को अपनी तरफ पोलराइज करके ले जाएगी, और इसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करके सत्ता में काबिज है उनके पास बहुमत हासिल है जी। और किसी जात जमात की बात करना कहीं गलत नहीं है, हाँ आप किसी और जमात के बारे में गलत बोले तो वो गलत है, तो मनसा पर शक रहती है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव की राजद की पार्टी जो है ये यादवों की पार्टी है, और यादवों का पत्ता काटने से सारे लोग नाराज है, ज्यादातर विधायक भी यादव है आपको पता होना चाहिए। और एक और बात जो बड़ी दूसरी जो बड़ी घटना थी जो इसके चलते ये कहा जा रहा है कि ये आत्मघाती कदम है, वो है कि पुराने लोगों की छुट्टी कर दी गई है। पुराने लोग मतलब कौन से लोग? लालू के लोग जिन्हें लालू यादव ने इस पार्टी में लाया, सहेज कर रखा, जिनके साथ ऊंच नीच बेटी रोटी तक का संबंध रखा, जिनके यहाँ जाकर खाना खाया, जिनके घरों में जाकर बैठे, उनके बच्चों का नाक साफ किया, उनके घरों में नहा है, उन लालू यादव के लोगों को आपने पार्टी से बाहर किया है, उनके पदों से आपने हटाया है। अगर आप उनको अपग्रेड भी करते हैं तो पहले आपको अपग्रेड करना था फिर उन्हें हटाना चाहिए था, क्योंकि इससे राजनीति में देखिए ईगो भी बहुत बड़ी बात है। आज ईगो के चलते प्रशांत किशोर जो कि उत्तराधिकारी थे नीतीश कुमार के, वो अलग हैं और नीतीश कुमार कहीं और हैं जी। ईगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजनीति में, खासतौर पर राजद में भी है ना। प्रेमा चौधरी के आप वो एग्जांपल ले लीजिए जो कि जीती हुई विधायक है अपने क्षेत्र से, वो भी छोड़ के जेडीयू में चली गई हैं। यही कहीं ना कहीं है, इससे पहले महेश्वर यादव जाना चाहते थे, ये बातें हैं राजद के तरफ से जो हम कह रहे हैं कि बार बार लोग टूट कर जा रहे हैं। ऐसी खबर बीच में भी आई थी कि राजद के कई विधायक नीतीश कुमार के संपर्क में लगातार रह रहे हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि आप हमारे लिए संभावनाएं बनाइए, आप उस सीट को जदयू की तरफ लेके आइए, हम आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर उस पर बात करेंगे। मगर फिलहाल तीसरा जो बड़ा मुद्दा था कि दलित राजनीति से कहीं ना कहीं पिछला चुनाव हार गए थे, मतलब पिछले चुनाव में इन्होंने जिस तरह से विरोध किया था सवर्ण आरक्षण का, हालांकि सवर्ण आरक्षण है नहीं, वो गरीबों के लिए आरक्षण है, और उस आरक्षण का विरोध जिस तरह से मनोज झा ने सदन में झुंझुना बजाकर किया था, और वो आत्मघाती हो गया था। और ये बात हम नहीं कह रहे, तेज प्रताप यादव हो, रघुवंश प्रसाद हो, शिवानंद तिवारी हो, ये सभी लोगों ने बात को माना है,
कि ये आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए था, हमें कहना चाहिए था कि इसमें भाजपा की मंशा क्या है उसको एक्सपोज करना चाहिए था, और इस आरक्षण के तहत और जो प्रावधान है उन पर चर्चा करनी चाहिए थी, ना कि हमें इसका सीधा विरोध कर देना चाहिए था जी। और ये घातक हुआ था और इससे पार्टी के कई विधायक नाराज हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि यादव अपने आप को निचली जाति का नहीं मानते हैं, यादव अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर जो ब्राह्मण भूमिहार और लाला और ये जो पूरा चला रहा है सिस्टम, इसके जस्ट वो नीचे हैं, वो अपने आप को दलितों से ऊपर मानते हैं। हालांकि बिहार की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि यादवों का दबदबा रहता है, कई क्षेत्रों में हमने देखा है, कई बार ऐसे मुखर होकर लोग आकर कहते हैं कि यादव दबंगई करते हैं जिनकी वजह से पिछड़ी जाति के लोगों को तकलीफ होता है। हालांकि मैं किसी के से पूर्वाग्रह के तहत नहीं कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये बातें हुई हैं तो कही जा रही हैं जी। और इससे नाराज हैं यादव बिरादरी के लोग, क्योंकि यादव का टिकट काट कर दलितों को दे दीजिएगा, किसी को बहुत मेरे आप में प्रेम है मगर मेरी रोटी अगर आपके प्लेट में काट तोड़ कर कम देकर आपको दे दी जाए तो तुरंत मुझे बुरा लगेगा, भले ही मैं आपको कितना भी प्रेम करता हूँ, खाली पेट से प्रेम नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सही बात। और चौथा जो बड़ा कारण था वो था जगदानंद को क्यों बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। अगर जगदानंद, अगर आप दलितों की बात करना चाहते हैं, आप दलितों के हिसाब से, ये भी विधायक ने कहा है जी, नाम हमें नहीं पता मगर ये विधायक ने कहा है कि जगदानंद सिंह जी को सवर्ण है, उनको क्यों बनाया आपने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष अपना, जब आपको दलितों की राजनीति करनी है तो दलितों को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, उन्हीं को बनाकर आगे चलिए, सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिए कि दलित बनेगा। तो समझ लीजिए मामला कितना खराब हो गया है तेज प्रताप तेजस्वी यादव के लिए और राजद के लिए, कि विधायक काफी अग्रेसिव हो चुके हैं जी। ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि नीति तेजस्वी यादव ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। पांचवा जो बड़ा कारण है वो है कि चुनाव से पहले एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं मालिक जी। कई विधायकों ने कहा कि आपको तो चुनाव लड़ने जाना है, आप अपनी सारी ताकत सब कुछ पार्टी रिसोर्स सब कुछ लगा दीजिएगा, हमारे पास क्या है, हम अगर जाएंगे फिर से टिकट लेकर चुनाव लड़ने तो हमें तो जनता से को जवाब देना पड़ेगा ना जी। हमें उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, जिनको हटा दिया है आपने, जिनके फॉलोअर्स कई हैं उस पार्टी में, कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता किसके होंगे जिला में, जिलाध्यक्ष के ही, जिलाध्यक्ष ही लेकर जाते हैं उनको अपनी गाड़ी से, अपने पैसे से, चलिए कार्यक्रम में, चलिए रैली में, चलिए जो बुलाए हैं जी। अगर जिस व्यक्ति ने पार्टी में इतना इन्वेस्ट किया है पैसा रुपया सब कुछ समय संसाधन, वो चुनाव क्या जीतने देगा राजद को, वहां से किसको किस झेलना पड़ेगा, पार्टी बाद में झेलेगी, पहले तो विधायक झेलेंगे ना जी। और विधायकों को झेलना पड़ रहा है, कई हमने तो खबर यह तक आई है कि कई विधायकों ने अपना मोबाइल फॉरवर्ड पर कर दिया है जिलाध्यक्षों के फोन से परेशान होकर, जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। हालांकि सच्चाई यही कि विधायकों ने खूब मुखर होकर बोला है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा सा आत्मघाती हो गया है। छठा जो कारण है वो है अनुशासन की, जो कहीं ना कहीं बात की जाती है जगदानंद द्वारा कि अनुशासित रहिए, इस अनुशासन से भी प्रॉब्लम है जी। पार्टी अनुशासन के तहत चलती है मगर पार्टी अनुशासन ही सबसे सर्वोपरि है ऐसा नहीं है जी। क्योंकि पार्टी के अनुशासन से अलग हटकर, राजनीतिक दायरों और सीमाओं से अलग हटकर लालू प्रसाद ने बिहार में अपने आप को स्थापित किया था। लालू यादव अगर लकीर के फकीर होते तो आज ठीक है मानता हूँ वो जेल में है मगर वो अभी बिहार के मुख्यमंत्री या इतनी बड़ी पार्टी के माने सर्वे सर्वा नहीं होते हैं। उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो लकीर से अलग हटकर चल कर किया है और यही कहीं ना कहीं पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो या और भी लोग हो या विधायक ही क्यों ना हो पुराने, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की परिपाटी को शुरू करने का मतलब नहीं बनता है। आप अनुशासन की अगर बात करते भी हैं तो तेज प्रताप यादव कब अनुशासित रहे हैं जी, तेजस्वी यादव में कब अनुशासन रहा है कि वो राजनीतिक मर्यादाओं को फॉलो करें, विपक्ष के नेता के तौर पर आते भी नहीं है सदन में, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं बुरी स्थितियों में और बड़े आंदोलनों का चेहरा नहीं बन पा रहे हैं नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ। और सीए की उस जो बैठक हुई उसमें भी तेज प्रताप यादव नहीं आए थे। अब देखिए सीए और एनआरसी पर इतना बड़ा विरोध चल रहा है पूरे दुनिया में, पूरे देश में माफ कीजिएगा, और जिस तरह से कन्हैया हो, पप्पू यादव हो, सीपीआई हो, ये सभी लोग विरोध कर रहे हैं मगर तेजस्वी यादव बहुत कम जगहों पर दिख रहे हैं विरोध करते हुए, ट्विटर पर ज्यादा दिखते हैं बाकी सब जगहों पर कम दिखते हैं और ये लोगों को कहीं ना कहीं कसोट रहा है, खासतौर पर पार्टी के उन विधायकों को जिनको डर है कि वो हार जाएंगे चुनाव जी। क्योंकि इस बार पिछली बार नीतीश भी साथ में थे, इस बार तो नीतीश भी अलग है जी। और एक और बड़ी बात है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो सोच रही है पार्टी के प्रति पिछले कुछ दिनों में वो उस तरह की नहीं रही है जी। ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेजस्वी यादव उसमें अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, महागठबंधन की परिस्थितियां जो भी रही हो
महागठबंधन में जो भी समीकरण फिलहाल हो, मगर एक समीकरण तेजस्वी यादव के दिमाग में बैठा हुआ है, वो है नीतीश कुमार को डिसलॉज करके उस कुर्सी तक पहुंचना जी। और इसमें दूरदर्शिता नहीं दिख रही है। अगर दूरदर्शिता का मतलब है कि लॉन्ग साइटेडनेस, आप वैसी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं जिससे पार्टी को लंबे समय तक फायदा पहुंचे। लालू यादव के साथ बिहार के दलितों का सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट ओवरनाइट शिफ्ट होकर भाजपा में नहीं चला जाएगा जी। हाँ, ये जरूर बात है कि जिस तरह से आप यादवों को छोड़ते जा रहे हैं, अगर यादव शिफ्ट हो गए भाजपा की तरह, रामकृपाल जैसे चले गए और बाकी यादव भी इस तरह से जाने लगेंगे, तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, चाहे कितने भी यादव संजीका राय, आप किसी को ला दीजिए, ये सारे लोग मिलकर भी उस राजद को बचा नहीं पाएंगे जिस राजद को लालू प्रसाद यादव ने अपने खून पसीने से सींच कर आज यहाँ तक पहुँचाया है। दलितों को सम्मान मिलना चाहिए, सवर्णों को सम्मान मिलना चाहिए। आपके सोशल इंजीनियरिंग में वो दूरदर्शिता नहीं दिख रही है जो कि पार्टी के विधायक चाहते हैं। देखिए, पार्टी के विधायकों के साथ सबसे बड़ी मजबूरी क्या है, सभी जात जमात और सभी धर्म के लोगों को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा उन्हें जी। अगर जीतना है तो आपको सभी कौड़ियों को टटोलना पड़ेगा, और जब कुछ कौड़ी आपके पास से छटक कर कहीं और चले जाए तो आप कैसे टटोलिएगा, कैसे पहुंचिएगा वहां तक। विधायकों की सबसे बड़ी विडंबना यही है, वो जानते हैं कि इन्हें अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो हमें पहले जीतना होगा, वरना हमारा रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया जाएगा। बिहार के राजनीति में पीके शाही हुआ करते थे, बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री के तौर पर उनको नहीं याद किया जाता है, मगर नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। पीके शाही की चर्चा ही नहीं होती है आज के डेट में जी। इसी तरह की राजनीति करके कई लोग अपनी राजनीति गंवा चुके हैं और लोगों को डर यही लग रहा है, और इसी वजह से इस पूरे जो इन्होंने लिया है डिसीजन, ये बैकफायर कर रहा है तेजस्वी यादव बहुत बुरी तरह से। अगर पार्टी में अनुशासन अगर, और जिस तरह से लालू यादव का दबदबा रहा था कि वो कहते थे कि करना है तो करते थे लोग, अगर वैसा कुछ होता है, लालू यादव जी का आदेश भी तो सबके पास तो पहुंच नहीं पा रहा है, अगर वो पहुंच जाता है तब तो ठीक है, वरना ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है जिला अध्यक्षों का, ये बड़ा इनके लिए आत्मघाती हो गया है और इससे इनको घाटा होगा। ये सात कारण जो हमने बताए हैं, इन सात कारणों को विधायकों ने खुद ही कहा है, तो आप समझ सकते हैं जब खुद घर से ही आ रहा है नुस्खा, तो मतलब मर्ज और बीमारी जो है वो थोड़ी बड़ी है जी। तो कैसा लगा आपको आज का ये शो? अगर पसंद आया हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है आपको जो रोज़ हमारा ये शो आता है रातों रात। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा, अगर कहूँगा दर्शकों के, ये सात जो लिस्ट है ये तो विधायकों ने कहा है। आप अगर कार्यकर्ता हैं, राजद के सिंपथाइजर हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, तो और क्या इसके दूरगामी जो कह सकता है दुष्परिणाम होंगे, वो हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, ताकि हम भी जान सके कि हमारे दर्शक कितनी राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध हैं और कितनी रुचि लेते हैं बिहार की राजनीति में। और अगर बिहार से जुड़ी सारी खबरें आपको अपने मोबाइल पर चाहिए तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। बगल में सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो घंटी आइकन आएगा, उसको दबाते ही जितनी भी खबरें भारत लाइव पर चलती हैं सारी खबरें आपके मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त पहुंचती रहेंगी। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ भारत लाइव पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।